अपना खुद का रिव्यूज भी देंगे और कॉलेज का आप लोगों का लोकेशन कनेक्टिविटी कैंपस फैसिलिटी प्लेसमेंट ब्रांच वाइज 2020 में भी कितना गया 2019 में कंपेयर करेंगे सब कुछ बोलेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अभी जो है एनआईटी जमशेदपुर बोलूंगा, इसके पहले भी मैं बहुत सारा एनआईटी के ऊपर बोला हूँ, नहीं देखा तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में भी पूरा अवेलेबल कर दूंगा। और अपना कोई भी छोटा से छोटा डाउट हुआ तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपना खुद का फेसबुक का पेज बनाया है तो आप लोग जाके उसको भी लाइक कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी अपना पर्सनल डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं और नहीं तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी में जाके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जमशेदपुर आप लोगों का कहाँ पर लोकेटेड है? आप लोग जमशेदपुर झारखंड में लोकेटेड है। 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था, बहुत पुराना कॉलेज है और इसका कैंपस का साइज 325 एकड़ है तो बहुत बड़ा कैंपस है तो आप लोगों को एक्सपोजर मिलेगा। कनेक्टिविटी थोड़ा बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी में आप लोगों का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची आप लोगों का कैंपस से 133 किलोमीटर दूर में है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता आप लोगों का कैंपस से 302 किलोमीटर दूर में है और आप लोगों का टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन आप लोगों का कैंपस से 13 किलोमीटर दूर में है तो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है, आप लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का बात करते हैं कैंपस के फैसिलिटीज जो कि लगभग हर एनआईटीज में सेम ही होता है कि बैंक का फैसिलिटीज है, सेंट्रल लाइब्रेरी का फैसिलिटीज है, कैंटीन का फैसिलिटीज है, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज है, मेडिकल का फैसिलिटीज है। तो ये है आप लोगों का कैंपस का फैसिलिटीज, बहुत अच्छा है। उसके बाद आप लोगों का एनआईएफ रैंक, एनआईएफ रैंक में आप लोगों का 79 एनआईएफ रैंक है 2020 में। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है 79 रैंक है। उसके बाद आप लोग इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं? जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू, उसके बाद थ्रू जोसा एंड सीसैप। ठीक है, उसके बाद आप लोग थोड़ा बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर में आप लोगों का इंस्टीट्यूट फीस और हॉस्टल फीस है तो टोटल मिलाकर मैं बोलता हूँ कॉशन मनी आप लोगों को वन टाइम रिफंडेबल रुपीज 10,000 देना पड़ेगा, वन टाइम फीस आप लोगों को रुपीज 2,000, ट्यूशन फी पर सेमेस्टर रुपीज 62,500, अदर ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 10,500, हॉस्टल सीट रेंट आप लोगों का पर सेमेस्टर 6,000, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पर सेमेस्टर 2,000, उसके बाद आप लोगों का अदर फीस अदर हॉस्टल फीस आप लोगों को रुपीज 7,000, मेस एडवांस फीस पर सेमेस्टर रुपीज 16,000, तो टोटल मिला के 1,16,000 रुपीज देना पड़ेगा आप लोगों को इंस्टीट्यूट फीस प्लस हॉस्टल फीस। इसमें आप लोग अगर एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप में पढ़ते हैं तो आप लोगों को ट्यूशन फीस 62,500 रुपीज नहीं देना पड़ेगा, और आप लोगों को जनरल और ओबीसी में है और आप लोगों का एनुअल इनकम 1,00,000 से कम है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन पूरा देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को पूरा पैसा रिफंड कर देगा, आप लोगों को ट्यूशन फीस जो है वो आप लोगों को रिफंड कर देगा, 62,500 रुपीज नहीं देना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस देना पड़ेगा जिन लोगों का इनकम 1,00,000 से ज्यादा है और 5,00,000 से कम है, जनरल ओबीसी कैटेगरी में है तो उन लोगों को 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस देना पड़ेगा, और जिन लोगों का एनुअल इनकम 5,00,000 से ज्यादा है जनरल ओबीसी में आप लोगों को पूरा फीस देना पड़ेगा। यह है टोटल आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर, एनआईएफ रैंक, मोड ऑफ एडमिशन, कैंपस फैसिलिटी, कनेक्टिविटी। अब बात करेंगे जो मेन टॉपिक है प्लेसमेंट के ऊपर, जो बात करते हैं एनआईटी जमशेदपुर आप लोगों का प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे, कितना कितना ब्रांचेस है, टोटल 7 ब्रांचेस है इस कैंपस में। तो अभी 2020 में अगर कोई भी नया ब्रांच ऐड होता है या 2019 में ऐड हुआ है तो उसके ऊपर मुझे पूछना मत कि भैया इस ब्रांच का क्या है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई भी ब्रांच नया ऐड हुआ है, जैसा कि यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी नहीं है तो इस साल हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी ऐड हो गया एनआईटी जमशेदपुर में, तो ऐसा हो सकता है तो उस हिसाब से तो प्लेसमेंट को पता नहीं चलेगा। तो जब पुराना वाला था तो अभी जो निकला है, ठीक है, मतलब 2019 वाला जो अभी जो लोग पास आउट किया है तो उन लोगों का जो जो ब्रांचेस था तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा, और जो 2020 में जो स्टूडेंट आउट हुआ है तो उन लोगों का थोड़ा हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 7 ब्रांचेस है। तो पहला ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग में आप लोगों का 86.89% स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ था और हाईएस्ट पैकेज सिविल में 15,00,000 गया था 2019 में। उसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप लोगों का 93.83% स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ था और आप लोगों का हाईएस्ट पैकेज 39.50 लाख किया था। उसके बाद आप लोगों का इलेक्ट्रिकल में आप लोग 89.47% स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ था और हाईएस्ट पैकेज 15.60 लाख किया था।
उसके बाद आप लोगों का आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ब्रांच, इसमें 92.77% स्टूडेंट प्लेस हुआ था और हाईएस्ट पैकेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ही गया था 2019 में 42.02 लाख। उसके बाद आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें आप लोगों का प्लेसमेंट 87.80% स्टूडेंट हुआ था और हाईएस्ट पैकेज गया था 12.56 लाख। और मेटलर्जी एंड मटेरियल्स में आप लोगों का 98.68% स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ था 2019 में और हाईएस्ट पैकेज 17 लाख गया था। और लास्ट में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आप लोगों का 89.47% स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ था और हाईएस्ट पैकेज 12.40 लाख गया था। तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसमें 39 लाख आप लोगों का वन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप लोगों को ऑफर्ड किया था 2019 में। उसके बाद 12.5 LPA ऑफर्ड किया था मेडलाइफ और 12.4 लाख ऑफर्ड किया था फ्यूचर्स फर्स्ट। तो इसके अलावा भी बहुत सारा कंपनी हाईलाइटेड है जो आप लोगों को ऑफर्ड किया था प्लेसमेंट। तो ओवरऑल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक बहुत अच्छा है इस कॉलेज का। अब 2020 में जितना दूर मुझे स्टैट्स मिला है, तो 2020 में आप लोगों का हाईएस्ट पैकेज 43.30 LPA गया था, माइक्रोसॉफ्ट दिया है, और 28.75 LPA आप लोगों का ऑफर्ड किया था अमेजन। तो ये दो हाईलाइटेड पॉइंट है 2020 का। तो यही है आप लोगों का टोटल ब्रांचेस और प्लेसमेंट। अब थोड़ा मैं खुद का पर्सनल रिव्यूज देता हूँ। एज एन NITian मैं भी बोल सकता हूँ कि NIT जमशेदपुर बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा बोल सकते हैं लुक्स की तरफ बोलेंगे तो थोड़ा सा पुराना टाइप का है, पर मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है NIT जमशेदपुर। ठीक है, तो ये झारखंड में है, आप लोग जाके फ्रीली पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है, एनवायरमेंट भी अच्छा है, आप लोग जाके पढ़ाई कर सकते हैं, अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही है टोटल आप लोगों का ब्रांचेस कॉलेज के ऊपर। अगर कोई भी डाउट हुआ, अगर आप लोगों को जानना है कि मुझे भैया इतना रैंक है, मुझे जमशेदपुर का ये ब्रांच मिलेगा कि नहीं, तो फ्रीली जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप मुझे खुद से बात कर सकते हैं, मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। ठीक है, और मैं अपना खुद का फेसबुक का पेज दे दूंगा, आप वहां पर भी जाके मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। तो ऐसे ही मैं बहुत सारा वीडियो लाऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, जैसा कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।